स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वोल्केनिक क्लासेस में। स्टूडेंट आज का हमारा जो सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है और आज का हमारा जो टॉपिक है मैट्रिसेस चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1-3 तक किए थे। आज का जो हम लोग टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर अप टू यहाँ तक हो सकता है देखते हैं हम लोग। ठीक है चलिए हम लोग बिना समय गाए हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको जरूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इफ ए इक्वल टू इतना बी इक्वल टू इतना सी इक्वल टू इतना ये हमारे मैट्रिसेस दिए हैं ए बी सी। अब पूछ रहा है देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। हमको क्या निकालना है ए प्लस बी मैट्रिसेस निकालना एंड बी माइनस सी मैट्रिसेस। ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी मैट्रिसेस। और हमको क्या करना है ये ए प्लस बी माइनस सी क्या इसका वैल्यू निकाल के इसके बराबर करना है, वो वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ए प्लस बी को फाइंड करते हैं ए प्लस बी। तो ए मैट्रिक्स मेरा क्या है ये 1, 2, -3, 5, 0, 2, 1, -1, 1 अब क्या प्लस तो प्लस देंगे यहां पर बी मैट्रिक्स क्या है मेरा 3, -1, 2, 4, 2, 5, 2, 0, 3 ये हमारा बी मैट्रिक्स हो गया। अब क्या करना हमको ए प्लस बी हम लोग ऐड करना है तो ऐड कर देंगे 1 और 3 कितना हो गया मेरा 4 2 और -1 तो 2 में से -1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 -3 प्लस 2 -3 में 2 घटाएंगे क्या कितना होगा -1 5 प्लस 4 9 0 प्लस 2 2 2 प्लस 5 7 1 प्लस 2 3 -1 और 0 -1 1 और 3 कितना हो गया 4। ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ दिए ये आ गया। तो हम लोग ए प्लस बी का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब निकालते हैं लोग बी माने बी माइनस सी का बी माइनस सी बी कौन सा मैट्रिक्स है मेरा ये 3, -1, 2, 4, 2, 5, 2, 0, 3 ये बी हो गया माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। सी देख लीजिए सी मैट्रिक्स मेरा यहाँ पर है 4, 1, 2, 0, 3, 2, 1, -2, 3 अब इसे हमें क्या करना है हमको इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग 3 -4 3 में से -4 घटाएंगे कितना होगा मेरा -1 -1 -1 यानी क्या हो गया मेरा ये देखिए -1 फिर -1 क्या होगा -1 -1 क्या होगा -2 यहां पे लिखते हैं हम लोग -2 2 -2 2 -2 कितना हो गया मेरा 0 4 -0 क्या कितना हो गया 4 2 -3 कितना हो जाएगा मेरा -3 में से 2 घटा देंगे -1 5 -2 5 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 3 2 -1 कितना हो जाएगा 1 0 -2 देखिए -2 क्या हो गया +2 हो जाएगा 3 -3 कितना हो जाएगा 3 -3 क्या हो जाएगा 0 ये हमारा बी माइनस सी मैट्रिक्स निकल गया। दोनों का क्या हम लोग वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब चलिए देखते हैं इसको वेरीफाई करते हैं कि ये मेरा सही है या गलत। इसको कॉपी कर लीजिएगा इसको हम लोग रफ करते हैं अभी।
ये जो हम वैल्यू लिखाए थे इसको रहने देंगे अभी हम लोग। माइनस वन फोर और वन, ये किसका था मेरा ए प्लस बी का, ये था मेरा ए माइनस बी का वैल्यू। चलिए इसको हम वेरीफाई करते हैं हम लोग। ए प्लस ए प्लस बी माइनस सी को, तो ए का वैल्यू क्या है मेरा, ए मैट्रिक्स मेरा ये, इसको लिख देंगे हम लोग वन टू माइनस थ्री फाइव जीरो टू वन माइनस वन वन, ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया। प्लस करना है बी माइनस सी को, सॉरी ये बी माइनस सी होगा मेरा, ये ए प्लस बी हम लोग फाइंड किए थे, था मेरा बी माइनस सी। अब इसमें हम क्या ऐड करना है, बी माइनस सी का वैल्यू क्या है मेरा, ये इसको यहां लिख देंगे माइनस वन माइनस टू जीरो फोर माइनस वन थ्री वन टू जीरो, ये हो गया ए मैट्रिक्स का वैल्यू, ये हो गया बी माइनस सी का। अब इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे कितना होगा वन प्लस माइनस वन, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस वन प्लस वन कितना हो गया जीरो, टू प्लस माइनस टू तो टू प्लस माइनस टू कितना हो जाएगा जीरो, माइनस थ्री प्लस जीरो कितना हो गया माइनस थ्री, फाइव प्लस फोर नाइन, जीरो प्लस माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस वन, टू प्लस थ्री फाइव, वन प्लस वन टू, माइनस वन प्लस टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, दो में से एक कट गया वन बचा, वन प्लस जीरो कितना हो गया मेरा वन, ये हमारा ए प्लस बी माइनस सी मैट्रिक्स फाइंड हो गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ वैल्यू पर लिख लेते हैं, ए प्लस बी माइनस सी इसको हम यहीं पर इस वैल्यू को यहीं पर लिख लेते हैं, इसी को मिटा के क्या क्या हमारा वैल्यू है सॉल्व करने पर, जीरो जीरो माइनस थ्री नाइन माइनस वन फाइव टू वन वन, अभी हमारा आ गया वैल्यू मेरा a प्लस बी माइनस सी मैट्रिक्स आ गया है। अब हम लोग लिखानेंगे क्या लिखानेंगे, a प्लस बी माइनस सी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे लिखाने थे a प्लस बी माइनस सी मैट्रिक्स, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया मेरा, ये वाला वैल्यू जो अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं कितना हो गया मेरा फोर वन माइनस वन नाइन टू सेवन थ्री माइनस वन और फोर, ये हमारा ए प्लस बी माइनस सी मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें क्या करना, ए प्लस बी लिख दिए, अब क्या करना माइनस सी मैट्रिक्स करना, सी मैट्रिक्स में हमारा कितना है यहां पर है ना फोर वन टू जीरो थ्री टू वन माइनस टू थ्री, इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है दोनों मैट्रिक्स को, ये हो गया ए प्लस बी मैट्रिक्स का माइनस ये सी मैट्रिक्स, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको फोर माइनस फोर कितना हो गया जीरो, वन माइनस वन जीरो, माइनस वन माइनस टू तो हो जाएगा माइनस थ्री,
9 माइनस 0 9 हो गया, 2 माइनस 3 क्या हो माइनस 1 हो गया, 7 माइनस 2 5 हो गया, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो गया, माइनस 1 माइनस देखिए माइनस माइनस क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस 2 में से माइनस 1 घटाएंगे क्या बचेगा 1 बचेगा, 4 माइनस 3 4 में से माइनस 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1। अब देखिए हमने फाइंड क्या किए हैं, a प्लस b माइनस c मैट्रिक्स फाइंड का फाइंड के कितना वैल्यू आया और दूसरा क्या कॉल निकालने हम लोग a प्लस b माइनस c मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड किए कितना आया। देखिए दोनों बात दोनों का वैल्यू क्या है बराबर है 0 0 0 0 माइनस 3 माइनस 3 9 माइनस 1 5 2 1 यानी हम लोग क्या कर बोल सकते हैं दोनों मैट्रिक्स क्या हुई हमारा इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं हम लोग a प्लस b माइनस c इक्वल टू a प्लस b माइनस c क्या हो गया मेरा दोनों मैट्रिक्स हम लोग सॉल्व किए क्या है वैल्यू बराबर हम लिखते हैं वेरीफाई वेरीफाई कर लिया ये दोनों मेरा मैट्रिक्स क्या है इक्वल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 इफ ए ए इक्वल टू 2 बाय 3 1 5 बाय 3 1 बाय 3 2 बाय 3 4 बाय 3 7 बाय 3 2 by 3 A matrix मेरा इतना दिया है और क्या दिया है and B matrices B का value दिया है मेरा 2 by 5 3 by 5 1 by 5 2 by 5 4 by 5 7 by 5 6 by 5 2 by 5 यार B matrix दिया हुआ है then compute थ्री ए माइनस फाइव बी। सबसे पहले हम क्या करना है मैट्रिक्स ए दिया है हमारा एंड मैट्रिक्स बी दिया है देन कंप्यूट थ्री ए माइनस फाइव बी तो हम क्या वैल्यू फाइंड करना है थ्री ए माइनस फाइव बी का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे थ्री ए माइनस फाइव बी का वैल्यू फाइंड करना है। थ्री थ्री ले लिया हम लोग थ्री लेने में क्या ए लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे ए मैट्रिसेस तो क्या होगा टू बाय थ्री वन फाइव बाय थ्री वन बाय थ्री टू बाय थ्री फोर बाय थ्री सेवन बाय थ्री टू टू बाय थ्री ये हमारा थ्री ए मैट्रिसेस हो गया माइनस फाइव। अब कौन सा लिखना है हमको मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी लिखना है बी कहाँ है यहाँ पर टू बाई फाइव थ्री बाई फाइव वन वन बाई फाइव टू बाई फाइव फोर बाई फाइव सेवन बाई फाइव सिक्स बाई फाइव और टू बाई फाइव
इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से इसको मैट्रिसेस ए को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिसेस बी को। तो सबसे पहले चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए मेरा क्या है यहां पर 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, ये क्या हो गया 3 कैंसिल, बचा क्या मेरा 2। तो देखिए सब जितने मैट्रिक्स एलिमेंट हमारे सब एलिमेंट क्या 3 से डिवाइड है, तो सब में देखिए क्या क्या आएगा वैल्यू 3 कैंसिल, बचा यहां पर 2, यहां पर 3 है नहीं, क्वेश्चन में देख लेते हैं, हां 3 नहीं है, तो क्या होगा यहां पर 1/3 सॉरी 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 डिवाइड हो जाएगा क्या बचेगा 5, ये 3 कट जाएगा 3 बचेगा 1, ये 3 कैंसिल हो जाएगा बचेगा यहां पर 2, ये 3 नीचे कैंसिल हो जाएगा बचेगा 4, ये 3 कैंसिल हो जाएगा बचेगा 7, ये बचेगा 3 × 2 = 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3 कैंसिल बचेगा 2 माइनस 5 से, देखिए 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2/5 को तो क्या होगा 5 कैंसिल बचा क्या मेरा 2, सॉल्व कर लेंगे हम, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा 2, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा 3, 5 से यहां करेंगे तो क्या होगा 5 × 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा मेरा यहां पर 1 बचेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहां पर 7, 6 और 2। सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए मैट्रिक्स ए में, फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई किए मैट्रिक्स बी में। अब क्या करने को सॉल्व करने को मेरे पास ये वैल्यू आया, इसमें क्या करेंगे अब सबट्रैक्ट करेंगे, देखिए सबट्रैक्ट करेंगे 2 − 2 कितना हो जाएगा मेरा 0, 3 − 3 कितना हो जाएगा मेरा 0, 5 − 5 कितना हो जाएगा 0, 1 − 1 0, 2 − 2 0, 4 − 4 0, 7 − 7 0 और 6 − 6 0 और 2 − 2 कितना हो जाएगा 0। यानी कौन सा मैट्रिक्स आ गया मेरा 0 मैट्रिक्स हमारा आ गया है, इसको ओवरऑल हम क्या ले सकते हैं इक्वल टू 0। इक्वल टू हम लोग 0 ले सकते हैं। तो हमको यही वैल्यू फाइंड करना था, क्या वैल्यू फाइंड करना था 3a − 5b, तो 3a − 5b का वैल्यू क्या होगा मेरा 0। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। अब इसमें क्या करना है, देखिए सिंप्लीफाई करना है, क्या सिंप्लीफाई करना हमको, सिंप्लीफाई करना सिंपल सा, हमको cos थीटा को इसमें cos थीटा ये जो ऊपर मैट्रिक्स दिया है और इसको दोनों को हमको ऐड करना है। तो ऐड करने कैसे हम करेंगे, सिंपल से इसको ऐड नहीं कर सकते, सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में और sin थीटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में, मल्टीप्लाई करने को सिंपल हम लोग ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे cos थीटा इनटू cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा मेरा cos थीटा इनटू sin थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा, cos थीटा इनटू sin थीटा क्या हो जाएगा
माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब कॉस थीटा इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम लोग क्या किए, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब लोग क्या करेंगे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या किए, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू मेरा आ गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें क्या होगा मेरा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, सॉरी प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर करेंगे माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया। अब इसको करेंगे क्या होगा मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर चुके हैं। अब देखिए वैल्यू क्या आता है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा, यानी फॉर्मूला जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन होता है हमारा, तो क्या होगा मेरा यहाँ पर वन। अब देखिए दोनों सेम है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो, क्या बचेगा मेरा जीरो। यहाँ देखिए माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, ये माइनस में है, ये पूरे वैल्यू माइनस में है, ये पूरे वैल्यू क्या है हमारा प्लस में है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा, वैल्यू मेरा बचेगा जीरो। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन। तो हम लोग दोनों को इसको सिंपलीफाई किए, सबसे पहले हमने क्या किए, मल्टीप्लाई किए कॉस थीटा को, फिर साइन थीटा को इसमें मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को हम ऐड किए, ऐड करने के क्या आया वैल्यू हमारा 1001 है, ये हमारा वैल्यू आ गया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वीडियो हमारा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एक्स एंड वाई इफ, दिया हुआ है हमारा क्या क्या, पहला क्वेश्चन दिया हुआ मेरा x plus y इक्वल टू 7025 एंड x माइनस y इक्वल टू 30, इसको यहां लिख देते हैं x माइनस y इक्वल टू 3003। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सिंपल से क्या किया कि वन नंबर क्या बोल रहा है हमको, फाइंड एक्स एंड वाई, यानी हमको एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है क्या होगा। तो सिंपल से एक इक्वेशन दे दिया, क्या दिया इक्वेशन, लो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये मैट्रिसेस है और एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये मैट्रिसेस, तो हमको सबसे पहले एक्स और वाई को फाइंड करना है। तो सिंपल से हम लोग जो क्लास 10 में भी करते थे कि इक्वेशन फाइंड करने क्या करते थे, एक्स वाई का वैल्यू करने के लिए हम लोग या तो एडिशन हम लोग करते थे, इसको इक्वेशन फर्स्ट
इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते थे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते थे। अब क्या करते हैं सिंपली हम लोग, या तो इसको ऐड कर लेते थे या तो इसको हम सबट्रैक्ट कर लेते थे। तो देखिए हम लोग वैल्यू कैसे आता है, सिंपल सा। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये देखिए प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे एडिंग, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है मेरा, यहां से माइनस वाई को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स प्लस वाई, अब इसका वैल्यू एक्स का, ये क्या एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू यहां पर रख देंगे। वो भी तरीका है कि हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा मेरा 2x, और प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा जीरो, ठीक है। तो ये वाई तो मेरा कैंसिल हो गया, बचा क्या, अब इसको ये मैट्रिक्स बचा है, तो मैट्रिक्स को कैसे करते हैं लोग ऐड, उनको मालूम है मैट्रिक्स कैसे ऐड करेंगे, एक्स एक्स को ऐड कर दिया 2x हो गया, और प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल। अब ये मैट्रिक्स लिख देंगे, मैट्रिक्स 7 0 2 5। अब क्या करना है, ऐड करना, क्या करेंगे प्लस, अब लिखेंगे 3 0 0 3 हो गया, x x को ऐड किया 2x हो गया, y y कैंसिल हो गया, ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिए। अगर हमको यहां सबट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या करते हैं, हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। अब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा पहला हमारा 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब यहां पे देखिए मेरा ये 2x का वैल्यू है, हमको अब यहां वैल्यू किसके लगाना है, x के वैल्यू लगाना है, तो x के वैल्यू फाइंड करेंगे अगर हम लोग, तो यहां पे देखिए क्या है मेरा, ये अभी मेरा 2x का वैल्यू आया है 10 10 0 2 8, ये किसके वैल्यू आया, अभी 2x का आया, तुमको क्या वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल टू 2 के इधर ले लेंगे क्या होगा, 1/2 हो जाएगा 10 0 2 8, x इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 10 × 1/2 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा कितना बचेगा 5, जिसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/2 × 2, 2 कैंसिल, बचा क्या मेरा 1, यहां 1 हो गया, 1/2/8, देखिए 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 2 कितना होगा 4, 1 पर कैंसिल हो जाएगा, यानी वैल्यू है मेरा 4। तो अब हम किसका वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, x का वैल्यू फाइंड कर दिए हैं, अब हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है y का, तो x का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो कोई भी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में x का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन करते हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में इसको x का वैल्यू फाइंड पुट कर रहे हैं। चलिए हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं इसको, तो x यहां पर है, x का वैल्यू जाएगा मेरा 5 0 1 4, अब क्या प्लस, प्लस लिखेंगे क्या है उसका, y इक्वल टू मैट्रिक्स क्या है मेरा 7 0 2 5। सिंपल से जो हम लोग इक्वेशन में हम लोग करते थे, जो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने को करते थे उसमें यही, इसको भी वैसे ही करेंगे हम लोग। y को वैल्यू फाइंड करना है तो y को यहां छोड़ देंगे, तो 7 0 2 5 लिख दिए, और ये जो x मैट्रिक्स है इसको इस साइड ले जाएं, शिफ्ट कर दें क्या होगा मेरा माइनस में, इस साइड क्या मेरा प्लस में, तो साइन चेंज हो जाता है, इक्वल टू के बाद ले जाने के बाद क्या होगा माइनस में, तो क्या होगा 5 0 1 4 हो गया। अब इसे हम सबट्रैक्ट करेंगे, 7 - 5 2, 0 - 0 कितना हो जाएगा 0, 2 - 1 1,
5 माइनस 4 1 हो गया। तो हम लोग क्या किए, हमको फाइंड करना था x और y का वैल्यू, तो x का वैल्यू हमारा फाइंड हो गया ये और y का वैल्यू भी हमको फाइंड हो गया ये। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे ही, ये पहला था, दूसरा में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या लिखा है हमको, 2x प्लस 3y दिया हुआ है मेरा, कितना दिया हुआ है 2340 दिया हुआ हमारा, एंड दिया हुआ है 3x प्लस 2y 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। अब हम क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल से ये इक्वेशन का हमने मैट्रिक्स दिया है और ये दोनों इक्वेशन का ही मैट्रिक्स दिया है, हमको फाइंड क्या करना है वैल्यू x और y का, तो x और y का वैल्यू फाइंड करने क्या करेंगे, सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए, ये दोनों इक्वेशन को सेम करने के बाद क्या करेंगे लोग, इसको सेम कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ क्या है 3x है, तो 2x है यहाँ पे और मान लेते हैं इधर क्या मेरा 3x है, इसको सेम कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर हम ये इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 6x आएगा। अब जब मेरा 6x आ जाएगा, दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों में से क्या करेंगे हमको, एक x का वैल्यू को हटाना पड़ेगा, सिंपल से हम जो क्लास 10 में इक्वेशन सॉल्व करते थे वही रूल हम अपनाएंगे। तो ये इक्वेशन हम क्या करते हैं 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 6x प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा मेरा 9y इक्वल टू, अब यहां पर मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3 2 जा 6 फिर 3 जा 9 4 3 जा 12 और 3 2 0 क्या होगा 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब ये इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए इसमें किससे करना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मान लीजिए इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिसेस में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6x 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4 2 माइनस 2 2 5 जा 10 आ गया। अब इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इसमें क्या है 6x plus 9y equal to 6x plus 4y equal to दोनों इक्वेशन हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू हट जाएगा तो क्या करेंगे हमको सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा मेरा, देखिए 6x plus 9y 6x plus 9y ये मान ली मैट्रिसेस है तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन बदल जाएगा, यहाँ प्लस क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस क्या होगा माइनस, अब तो 6x में 6x का टाइम क्या होगा मेरा कैंसिल, सॉरी यहाँ पर 6x हो गया, यहाँ पर 4y है इक्वेशन, ये होगा 6x plus 9y, ये होगा 6x plus 4y, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और 6x 6x हमारा कैंसिल हो गया,
फोर नाइन वाई में से फोर वाई घटाएं कितना बचेगा फाइव वाई, यहाँ बचेगा फाइव वाई। और इसके बाद क्या करेंगे ये मैट्रिसेस को, ये मैट्रिसेस क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं तो डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं क्या लिखेंगे फाइव वाई और दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नाइन में से फोर गया कितना हो गया फाइव वाई इक्वल टू सिक्स नाइन ट्वेल्व जीरो माइनस, ये वाला मैट्रिक्स लिख देंगे फोर माइनस टू और टेन। अब सब्ट्रैक्शन क्या होगा यहां पर सिक्स में से सिक्स माइनस फोर कितना बचेगा मेरा टू नाइन माइनस, देखिए माइनस फोर माइनस देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस फोर क्या हो जाएगा प्लस फोर हो जाएगा तो नाइन और फोर कितना हो जाएगा थर्टीन, ट्वेल्व माइनस और यहाँ पर माइनस टू क्या हो माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा कितना हो जाएगा फोर्टीन, जीरो माइनस टेन तो कितना हो जाएगा माइनस टेन। सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा वैल्यू है ये किसका वैल्यू आया हमारा फाइव वाई का, हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है वाई का, वाई इक्वल टू फाइव को इधर ले जाएंगे वन बाई फाइव और ये मैट्रिसेस हो जाएगा टू थर्टीन फोर्टीन माइनस टेन। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा ना टू बाई फाइव थर्टीन बाई फाइव 14 by 5 और minus 10 by 5 तो minus 10 by 5 को काट देंगे कितना बचेगा minus 2 यहाँ जाएगा minus 2। ये देखिए हमारा y का वैल्यू आ चुका है, अब हम किसका वैल्यू फाइंड करना हमको x का वैल्यू फाइंड करना है तो ये y वाला वैल्यू हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इसको मिटा के इसको यहाँ पर लोग ये y का वैल्यू हो गया काफी मिटा देते हैं अब ये जो y का वैल्यू है हमारा कोई भी इक्वेशन में रख देंगे वैल्यू हमारा फाइंड हो जाएगा तो चलिए हम किसमें वैल्यू फाइंड करते हैं इसी में रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं y का वैल्यू इसको मिटा देते हैं तो सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई वाई का वैल्यू कितना ये रख देंगे यहाँ टू बाई फाइव थर्टीन बाई फाइव फोर्टीन बाई फाइव माइनस टू इक्वल टू ये वाला मैट्रिसेस सिक्स नाइन ट्वेल्व जीरो हो गया। अब ये वाई का वैल्यू हटा देते हैं यहाँ से अब देखिए यहाँ पर क्या है सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स एक्स प्लस नाइन टू या एट्टीन बाई फाइव इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा थर्टीन टू नाइन नाइन थ्री जब ट्वेंटी सेवन सेवन टू नाइन नाइन टेन इलेवन एक सौ सत्रह बाई फाइव ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्टीन से फोर नाइन या थर्टी सिक्स थ्री में नाइन नाइन और नौ तीन बारह एक सौ छब्बीस बाई फाइव इसको नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन टू एट्टीन नाइन से मल्टीप्लाई कर लिए इक्वल टू सिक्स नाइन ट्वेल्व जीरो ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे इस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में सिक्स एक्स इक्वल टू सिक्स नाइन ट्वेल्व जीरो माइनस अठारह बाई फाइव एक सौ सत्रह बाई फाइव एक सौ छब्बीस बाई फाइव और माइनस अठारह
अब सिंपली इसको हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, 6x सबट्रैक्ट करेंगे, तो क्या करना है हमको 6 माइनस 18 बाय 5, तो क्या करेंगे 6 5 30 माइनस 18 बाय 5, 30 में से 18 घट गया कितना हो गया 12 बाय 5, ठीक है। तो आप लोग सिंपल सा वैसे सबट्रैक्ट कर लीजिएगा, हम लिख देते हैं इसका हो गया 12 12 बाय 5 12/5 हो गया, इसका सबट्रैक्ट करेंगे कितना हो गया मेरा माइनस 72/5 हो जाएगा, इसका सबट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा मेरा माइनस 66/5 हो जाएगा, और इसको सबट्रैक्ट करेंगे और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा यानी 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 है, 6 उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा एक्स इस पर 1/6, ये मैट्रिक्स 12/5 माइनस 72/5 और माइनस 66/5 और ये 18 एक्स इक्वल टू, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/5 इंटू 6 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2 से 12 बढ़ जाएगा यानी 2/5, तो सेम उसी में सब हो जाएगा तो 2/5 हो गया इसका, इसका करेंगे क्या होगा 6 7 6 42 सिक्स वन जा माइनस हो गया सिक्स वन सिक्स हो गया सिक्स टू ट्वेल्व बारह बार चल जाएगा तो माइनस 12/5 एक चल गया क्या होगा माइनस 11/5 और सिक्स थ्री जा 18, तो ये हमारा वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू आ गया और इसके पहले y का वैल्यू फाइंड किए थे। तो आज के सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक समाप्त किए थे, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।